हे गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं सुधीर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। देखिए उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल में आपका यूपीपी वीडियो और लेखपाल के एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का आज आपका पाँचवा पार्ट है, जिसमें हम न्यायालय, उत्तर प्रदेश के प्रमुख न्यायालय और कारागार से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश जीके पढ़ने के लिए आपको एक उत्तर प्रदेश का मैप आपके पास होना जरूरी है। तो मैप ले लीजिए, नहीं है तो आप कॉपी पे एक वाइट पेज लीजिए, A4 साइज का ब्लैंक पेपर आता है, उस पर आप उत्तर प्रदेश का मैप बना लीजिए और जो भी पड़ोसी आपके राज्य जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं उसको कवर करिए, और कौन कौन से जिले किस नंबर पर आते हैं, बड़े कौन से, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसे मैप से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपका सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, दूसरे नंबर पे आता है आपका सोनभद्र आता है, तो इस प्रकार से आपके भारत में कौन कौन से राज्य बाउंड्री को टच करते हैं, जैसे भारत के जो सॉरी उत्तर प्रदेश के जो स्टेट टच करते हैं, 8 स्टेट टच करते हैं, उसमें आपका दिल्ली आता है जो आपका यूनाइटेड टेरेटरी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके मैप से कवर हो जाएंगी। तो आज हम देखेंगे प्रमुख न्यायालय और कारागार उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। देखिए आप हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उसे अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं, करना ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो उस पर बात करें तो UPSC के लिए आपके मिडिल हिस्ट्री के क्रैश कोर्स चलाए जाना, UPSC वीडियो के एग्जाम के लिए हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस चले, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कर लीजिए। देखिए जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था मैं उत्तर प्रदेश का जीके कैसे कैसे कवर करूंगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए पार्ट वन में न्यायालय एवं कारागार, उसके बाद नियुक्तियां जो हुई थी वो उसको मैं कवर करूंगा, उसके बाद एक तीसरा वीडियो होगा प्रमुख संग्रहालय उत्तर प्रदेश के संगठन संस्थान स्थल एवं पार्क, उसको कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद चौथा पार्ट होगा उसमें कला संगीत, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य उत्सव मेले पर्व, इसको कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षा एवं पत्र पत्रिकाएं, उसके बाद भौतिक संरचना, बहुत सारे लोग बोल रहे थे जनगणना, तो उसको मैं लास्ट में कवर करूंगा, ठीक है। तो 11वां पार्ट होगा जो वीडियो का वो जनगणना का, तो लगभग 10 से 12 वीडियो जाएंगे उत्तर प्रदेश का जीके, पूरा यूपी का जीके कवर करने के लिए। तो आज हम शुरुआत सबसे पहले करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख न्यायालय एवं कारागार से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यायालय एवं कारागार, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है, देखिए न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, उत्तर प्रदेश का न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, तो न्यायिक अनुसंधान है तो जाहिर सी बात है लखनऊ आपकी राजधानी उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ में ही होगा। ये 1986 को इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय आपका उत्तर प्रदेश का कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे इलाहाबाद में है, और देखिए इसका एक खंडपीठ है जो लखनऊ में है, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, अपने यूपी में जो न्यायालय है उसका खंडपीठ आपका लखनऊ में पड़ता है और उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। अब देखिए उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर लें तो आपका 17 मार्च 1866 को उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसमें जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या वो 160 के बराबर है, ठीक है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय आपके 5 जिलों में है, लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी व बरेली में। उसके बाद 6 औद्योगिक न्यायालय उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और मैप ले लीजिए, खरीद लीजिए मैप या तो बना लीजिए, ठीक है। जियोग्राफी पढ़ने के लिए मैप आपको जरूरी है। अब देखिए प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं, 20। प्रदेश में कुल कारागारिक संस्थाएँ कितनी हैं, 67 यानी कि 67। प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या की बात करें तो 57। उसके बाद देखिए उप कारागार कितने हैं, 2 उप कारागार है, एक आपका महोबा में पड़ता है, एक देवबंद में पड़ता है। उसके बाद 5 केंद्रीय कारागार सेंट्रलाइज कारागार बनाए गए हैं, जिसमें जो 5 हैं कौन कौन से देखेंगे तो बरेली में है, आगरा में है, वाराणसी, अब फतेहगढ़ और नैनी देखिए इलाहाबाद में पड़ता है। उसके बाद देखेंगे प्रदेश में आदर्श कारागार 1 है, लखनऊ में पड़ता है। उसके बाद किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार, जो मतलब किशोर होते हैं जैसे बच्चे जो 18 साल से कम एज के बच्चे हैं जिनको रखा जाता है, उसमें एक ही है, बरेली में है। उसके बाद नारी बंदी निकेतन महिलाओं के लिए आपकी प्रदेश जो कारागार है वो 1 है, वो भी लखनऊ में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका लखनऊ में है, 1940 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में है 1844 में। टोटल 5 केंद्रीय कारागार है, बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, जो सबसे पुराना है आगरा में है, 1844 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यायालय एवं प्रमुख कारागार। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।